हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज एक चाइना पीसीबी का प्रॉब्लम आपको देखाऊंगा, जो नो कलर प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो पिक्चर आ रहा है, ये नो कलर प्रॉब्लम है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे, इसके ऊपर आपको ये वीडियो में एक नया जानकारी देगा। यूट्यूब पर ये जो पॉइंट, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम कहीं ने आपको बताया, मैं यूट्यूब पर बहुत कुछ वीडियो देखा है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, आपका एक नया आइडिया मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये पूरा ही ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, और इसका पहले मैं कलर प्रॉब्लम का ऊपर दो तीन वीडियो बना के रखा है, जो अलग अलग कंपनी अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो चाइना पीसीबी होता है, चाइना पीसीबी के अंदर ये जो एसओआईएस एक सिस्टम बॉटम है, ठीक है, ये बॉटम दबाने का बाद दो एक ऑप्शन आ जाता है, वो आप चेंज करेगा तो उसका कलर आ जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये सिस्टम से आपको 5.5 करना पड़ेगा, ऑटो पॉल स्टैम्प सिस्टम होता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो सिस्टम ऑप्शन है, एक एक एक्चुअली अलग अलग कंट्री का जो कलर सिस्टम वो अलग होता है, ठीक है। इसीलिए ये बॉटम को कंपनी दिया है रिमोट का अंदर, तो ठीक है। तो दोस्तों, आज का प्रॉब्लम ये नहीं है, ठीक है। और रिमोट से आप कलर चेंज कर सकते हो ब्लैक एंड वाइट प्रॉब्लम होने के बाद। तो उसका ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो है। तो एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट प्रॉब्लम के ऊपर फर्स्ट वो वीडियो एक बार आप देख लीजिए। एक्चुअली वो प्रॉब्लम रिमोट से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम होता है, तो इसके ऊपर जो आपको मेमोरी आईसीबी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, ये तो एक बात है, और प्रोसेसर आईसीबी फॉल्ट हो सकता है, ये भी एक बात है, और चाइना किट का अंदर एक क्रिस्टल दिखा जाता है, वो भी फॉल्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा पूरा ही अलग से एक फॉल्ट, ठीक है। एक्चुअली ये पीसीबी में काम करने का समय अचानक वो फॉल्ट आ गया, तो और फॉल्ट आ जाने के बाद तो मन में लगता है कि जो फॉल्ट मैं निकाला वो आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, आप दोबारा एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीन पर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, ठीक है। और आपको एक बार रिमोट का मेनू बटन पुश करके आपको दिखा देता हूँ कि देखिए इसका कलर कितना है, ठीक है। ये देखिए इसका कलर 47 है, आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। इसका जो ओएसडी होता है, ओएसडी का अंदर कलर है, ठीक है, लेकिन देखिए इसका जो कलर 47 है, ठीक है, तो तब भी ये स्क्रीन पर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको फर्स्ट बता देता हूँ, और आपको और क्लियर करके समझने की कोशिश करूँगा। मैं सेट को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं सेट को स्टॉप कर दिया है। फर्स्ट दोस्तों, चाइना किट का ये जो आईसी होता है, ठीक है, एक्चुअली चाइना किट का अंदर बहुत कुछ आईसी यूज़ होता है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर जो आईसी है, ये भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए चाइना किट का अंदर ये आईसी है, ठीक है, ये जो आईसी नंबर आप एक बार देख लीजिए, 8895CSNG7E35, ठीक है। ये पोजीशन पर आप 8873 आईसीबी देख सकते हो, 8891 आईसीबी देख सकते हो, 8893 आईसीबी आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। लेकिन सभी आईसी का सिस्टम सेम ही होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपको जो बताता हूँ, आप देखिए ये आईसी का एक नंबर पिन इधर से होता है, ठीक है, 1 2 3 करके आप काउंट करेगा तो ये 32 नंबर पिन हो जाएगा, और ये इधर 33 नंबर पिन ये ओपन है, और इस तरफ काउंट करेगा तो आपको देख सकते हो कि ये एक सप्लाई पिन है। ये जो सप्लाई पिन नंबर होता है, आप ध्यान से देखेगा तो आप देख सकते हो ये 47 नंबर पिन एक सप्लाई पिन है, ठीक है। तो मैं एक काम करने का समय अचानक देखा है कि ये जो 47 नंबर पिन का साथ 46 नंबर पिन है, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हो गया, ठीक है, और शॉर्ट होने के बाद उसका कलर ब्लैक एंड वाइट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, ये जो 46 नंबर पिन है, ये पिन का जो नाम है एपीसी, ठीक है, एपीसी पिन। तो दोस्तों देखिए, ये जो जॉइंट है, मैं चेक करके देखा है, और दूसरा बात, ये जॉइंट को मैं एक बार ओपन कर देता हूँ, आप देखिए। और दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको और जानकारी देगा। देखिए ये पॉइंट को मैं ओपन कर दिया, ठीक है, ये जो जॉइंट पॉइंट को ओपन कर दिया, क्योंकि 57 नंबर पिन
सॉरी 47 नंबर पिन ये 5 वोल्ट सप्लाई पिन है, ठीक है। ये जो सप्लाई पिन एक्चुअली ये सप्लाई 5 वोल्ट सप्लाई कहाँ से आता है, तो दोस्तों स्टैंड बाई ऑन होने के बाद यहाँ पर जो दो रेगुलेटर होता है 8 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये रेगुलेटर का 5 वोल्ट ट्रांजिस्टर से ये सप्लाई ट्यूनर का 5 वोल्ट पिन पर आता है और ये सप्लाई लाइन डायरेक्ट यहाँ से ये आईसी का 47 नंबर पिन पर आता है। तो ये 47 नंबर पिन का पहले पिन है 46 नंबर पिन जो एपीसी पिन है, ठीक है, ऑटोमेटिक फेज कंट्रोल। तो ये पिन शॉर्ट होने के बाद ये प्रॉब्लम हो गया। तो दोस्तों मैं शॉर्ट को ओपन किया और आपको एक बार सप्लाई दे के दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मैं सप्लाई दे दिया और स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। देखिए इसका कलर बिल्कुल ओके आ गया, ठीक है दोस्तों, ये देखिए कलर बिल्कुल ओके आ गया। तो दोस्तों दोबारा मैं ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देखा है तो दोबारा आपको और क्लियर करके देखने के मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए देखिए मेरा पास एक ट्वीज़र है और ये जो 5 वोल्ट पॉइंट है और 5 वोल्ट के साथ ये जो ए पी सी पिन है, ये दो पिन को मैं शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैं शॉर्ट कर देता हूँ और स्क्रीन पर आप देखिए ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, देखिए ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो पिन को मैं छोड़ देता हूँ तो कलर आ गया। तो दोस्तों ये तो एक बात हो गया। तो इस वीडियो में आपको जो और बताना चाहूँगा, अब ध्यान से देखिए, एक्चुअली ये जो एपीसी पिन है, ठीक है, ये एपीसी पिन का कनेक्शन क्या है, देखिए ये पिन का साथ एक पीएफ है, ग्राउंड का साथ कनेक्शन है, ठीक है। देखिए एक पीएफ है, ग्राउंड का साथ कनेक्शन है और बीच में ये लाइन का साथ एक 30K का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 30K का एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का बाद एक 0.22 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर ग्राउंड है। तो दोस्तों ये जो तीनों पार्ट्स है, कोई भी पार्ट्स प्रॉब्लम से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों देखिए ये जो रेजिस्टेंस का बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर है 0.22 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर मैं टच करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं जब यहाँ पर टच करता हूँ, ये पॉइंट पर टच करता हूँ, तो तब भी इसका स्क्रीन देखिए ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, और जब ये पॉइंट को मैं छोड़ देगा तो ये कलर आ जाएगा। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिए, ठीक है, तो आपको और क्लियर करके देखा तो कि फर्स्ट तो आपको 5 वोल्ट से ये पिन शॉर्ट हो गया, ये तो एक बात है। और आपको इस टाइम जो देखाता हूँ, मैं कुछ भी पार्ट्स का साथ शॉर्ट नहीं किया है, तो जस्ट यहाँ पर मैं टच करता हूँ ट्वीज़र से, ठीक है, ट्वीज़र से टच करता हूँ तो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, तो दोस्तों ये एक बढ़िया जानकारी है। तो ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक काट दीजिए। और दोस्तों चाइना किट के बारे में बहुत कुछ प्रॉब्लम का ऊपर मैं वीडियो बना के रखा है, तो दोस्तों एक अलग प्लेलिस्ट में बना के रखा है चाइना किट का ऊपर, आप मेरे चैनल पर जाके वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चाइना किट के बारे में आपको मन में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व करने का समय प्रॉब्लम आएगा तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, उसके अंदर मैं कुछ वीडियो लिंक दे देगा और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिख के रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये वीडियो का, तो ग्रुप पर आके आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में। थैंक यू दोस्तों।